क्या हुआ? हाँ रिकॉर्डिंग किस चीज का? मॉल का। हाँ मॉल का। तो कहाँ रिकॉर्ड जाए? कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। देखना चाहते हैं इसको? बताइए। यूट्यूब जानते हैं? यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तब क्या इसका वेबसाइट है? राजेश, यूट्यूब पे ना राजेश प्रसाद सर्च करोगे ना, राजेश सिटी कट का। हाँ निश्चित बात, इतना सर्च करोगे राजेश प्रसाद, राजेश प्रसाद, हाँ आर ए जे ई एस एच पी आर ए एस ए डी, आप वहाँ पर मिल जाएंगे। दो तीन दिनों बाद आप सर्च करोगे कर मिल जाएगा। ठीक है, वही आप रिकॉर्डिंग। हाँ काफ़ी समय से मैं सुनता आ रहा हूँ कि जो ज्योति स्वीट्स के समोसे हैं काफ़ी बेहतरीन हैं, काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी साल हो गए इस बात को मुझे सुनते सुनते। फिलहाल मैं अभी आया हूँ ज्योति स्वीट्स पे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो चले चलते हैं अंदर की तरफ, बाहर से एक बार लुक दिखा देता हूँ कैसा है इसका। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर की तरफ। पहले इसके लिए आपको लेना पड़ेगा टोकन। You have to wait. कितना समोसा लेना है? एक समोसा। कितने का? छह रुपए। तो फिलहाल आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का टोकन आपको देखने को मिलता है और फिर चलते हैं। ये देने वाले समोसे हैं। तो फिलहाल चलिए फिर इसको करते हैं टेस्ट। मैं आपको बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। टेस्ट करते हैं। मैंने इसका फ्रेंड ऑफिसर टेस्ट, हालांकि नाम तो काफ़ी ज़्यादा सुना है, करीबन 2 से 3 साल हो गए इसका नाम सुनते हुए कि ज्योति स्वीट्स के समोसे काफ़ी अच्छा है। व्यक्ति समोसे का टेस्ट है अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली है और चटनी काफ़ी अच्छी है और तीखा भी है और हल्का सा खट्टापन है। टेस्ट इज वेरी गुड, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हालांकि जैसा मैंने सुना था कि यहाँ के समोसे काफ़ी अच्छे हैं, उसके हिसाब से द टेस्ट इज वेरी गुड। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो डेट इज ओनली 6 रुपीज, काफ़ी ज़्यादा चीप है। अगर आप रहते हैं यहाँ पे, अगर आप पास रहते हैं या फिर बढ़िया में इसका कम ओवर हियर एंड टेस्ट द समोसा दैट इज वेरी गुड। अंदर की जो फीलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर मसाले नहीं है इसके अंदर, दिस इज़ द गुड पार्ट। बट एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी कि काफ़ी ज़्यादा ऑयली था समोसा, बस चटनी भी काफ़ी अच्छी रही, समोसा भी काफ़ी अच्छा था। We'll be right back.
ज्योति स्वीट्स के समोसे के को टेस्ट करने के बाद हम आए हैं विशाल मिष्ठान भंडार, जो कि है आर्य समाज रोड पे। और लेट्स सी कि उनका हम समोसा टेस्ट करते हैं, देन फिर कंपेयर करते हैं ज़्यादा बेहतर समोसा कौन सा है। और होप कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन समोसा ज्योति स्वीट्स का होना चाहिए। बट सी लेट्स सी कि यहाँ का भी जो समोसा है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसको मैं खा के टेस्ट करने वाला हूँ, देन आई विल आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ या फिर शेयर करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ कि यहाँ के समोसों का जो टेस्ट है कैसा है। और एक चीज़ और है कि यहाँ की जो बूंदी वाले लड्डू या फिर लड्डू हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो लेट्स सी हम समोसे को टेस्ट करते हैं, देन आई विल शेयर कि कैसा है। समोसा दीजिए, कितने का है? मीठे के अलावा कोई दूसरी चटनी नहीं है? सो फिलहाल हमारे पास आ चुका है ये समोसा। सो फिलहाल मैं इसको खा के टेस्ट करने वाला हूँ। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे तीखी चटनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओनली अवेलेबल है मीठी चटनी, जबकि ज्योति स्वीट्स में आपको तीखा और मीठा दोनों मिल जाएगा। और कुछ इधर सेब है, सेब देखिए कुछ गोल टाइप का है, जैसे आपको तीन कोने वाला समोसा मोस्टली जगह आपको देखने को मिलता है उस तरीके का नहीं है। खाते हैं और मैं बताता हूँ कैसा है। मीठा अलग है, मुझे मीठी चीज़ें हालांकि उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। अच्छा यार, हालांकि मैं मीठी चटनी खाता नहीं हूँ। टेस्ट इज ऑसम। दोनों समोसों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसके अंदर क्या है कि मसाला कुछ ज़्यादा ही डाल रखा, उसके अंदर क्या था मसाला थोड़ा कम था, बट टेस्ट इज गुड। आर्य समाज रोड पे ये शॉप है, अगर आप कभी भी आते हैं यहाँ पे आके समोसा टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट है डॉक्टर सुरेश चंद की शॉप, इसलिए पूछेंगे, हालांकि कोई भी जानता है इस शॉप के बारे में, बल्कि मैं काफ़ी फेमस शॉप है। तो ये हुआ मेरा समोसा ख़त्म, और समोसा का जो टेस्ट था दैट इज़ टॉप। यू कैन कम एंड एंजॉय। बस एक ही चीज़ मुझे कमी लगी क्योंकि मैं तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता हूँ और यहाँ पे तीखी चटनी नहीं है, बट फिर बात। तो जितनी चटनी बच गई यहाँ पे मिली इसकी मीठी चटनी और ये था गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मैंने कितने रुपये पीस देते हो? 10 रुपये। हाँ 10 रुपये। और ये 120 रुपये किलो। और कुछ बेचते हैं बस? ठीक। सो दो तीन चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और सारी की सारी बेस्ट है। यहाँ की जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे जो लगती है वो लगती है यहाँ के लड्डू, और सेकेंड नंबर पे यहाँ के समोसे भी काफ़ी अच्छे हैं। दोनों का अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ज्योति स्वीट्स के जो समोसे थे उसके अंदर थोड़ा ऑयल था, बट उसका जो मसाला था काफ़ी अच्छा था। तीखी चटनी थी, तीखी चटनी भी काफ़ी अच्छी बना रखी थी। और यहाँ पे क्या है, समोसा ओवरऑल बेस्ट है, मसाला थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है गरम मसाला। और चटनी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ मीठी चटनी मिलेगी, और तीखा खाने के शौकीन है तो आपको उसके लिए डिसअपॉइंट होना पड़ेगा।